अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आज आप देख सकते हैं कि मैंने पराठे बनाए हैं और इनमें तय भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी सारी तय आई हैं। ये मैंने एक डिफरेंट स्टाइल से बनाए हैं, तीन पराठे मैंने तीनों डिफरेंट स्टाइल से बनाए हैं। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं कि कैसे बनाएं तो मेरी रेसिपी को फॉलो करें। तो चलिए बनाते हैं पराठे। ये आटा आप चेक करें, ये मैंने जो है गूंद के रख दिया था पूरी रात के लिए, इसको फ्रिज में रख दिया था गूंदने के बाद। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने जो है एक बाउल आटा ले लिया है, नॉर्मल आटा जो आप अपने घर में यूज करते हैं, ठीक है, वो आटा हमने ले लिया है। एक बाउल मैंने लिया है, एक टेबलस्पून सूजी। सूजी आपके पराठों को बहुत क्रिस्पी और बहुत लच्छेदार बना देगी। नमक इसमें मैंने शामिल किया है हसबे जायका। अब ये आटा मैंने गूंद लिया है, ठीक है, नॉर्मल उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से मैंने इसको गूंदा है। नॉर्मल जिस तरीके से आप अपने घर में आटा गूंदते हैं उस तरीके से आटा गूंद लेना है। अब इसके मैं तीन पेड़े बना लूंगी और उसके बाद आपको उनको डिफरेंट स्टाइल से बनाना सिखाऊंगी कि लच्छेदार पराठा आप कैसे बना सकते हैं। पहले मैं नॉर्मल पेड़ा बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अब ये पेड़े मैंने बना लिए थे, ठीक है, इनको हल्का सा ग्रीस कर रही हूँ मैं जो है घी से कर रही हूँ। अगर आप लोग ऑयल से पराठा पसंद करते हैं तो ऑयल से भी कर सकते हैं, पर मैं घी से कर रही हूँ। बस इस तरीके से करके इनको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये तीनों पेड़े हमने बना के रख दिए थे, तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए इनको। अब इनको हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके पेड़ा बनाकर बिलते रहते हैं, ठीक है। ये देखें, अब हम इस पे खुश्का डस्ट कर लेंगे। खुश्का बहुत अच्छे तरीके से लगा देना आपने। अब इसको हम बेल लेंगे। अब ये एक रोटी जो हमारी बिल गई है, इसका फर्स्ट हम बताएंगे कि इसका लच्छेदार पराठा कैसे बन सकता है, बहुत सारी तेल वाला पराठा कैसे बन सकता है। उसके लिए हमें जो है घी चाहिए, ठीक है, मैंने घी लिया है। अगर आपको ऑयल पसंद है तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ मेल्टेड और हाफ जो है नॉर्मल घी जो होता है वैसे मैंने लिया है। इस टाइम पे पराठे पे जो है हम घी लगा देंगे बहुत अच्छे तरीके से, फुल पराठे पे जो है घी लगाएंगे अंदर वाली साइड पे, ठीक है। इसके बाद हम पराठे को रोल करना बताएंगे कि आपने किस तरीके से पराठे को रोल करना है जिससे आपके पराठे जो हैं लच्छेदार पराठे बन सकते हैं, जो कोयटा होटल के जो पराठे होते हैं वैसे बन सकते हैं, ठीक है। घी लगाने में कोई कंजूसी नहीं करनी आपने, ठीक है। ओके जी, घी अब हमारा लग गया। इस पे हम हल्का सा जो है खुश्का डस्ट करेंगे इस पे, ठीक है, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। ये देखें, अभी हमने डस्ट कर लिया। इस टाइम पे हम अब इसको कट कर लेंगे। हम इसके कट लगा देंगे ऐसे करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से
बहुत बहुत लच्छेदार पराठे बनेंगे आपके इंशाल्लाह, अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देखिए पराठा हमारा कट चुका, अब इसको हम वन बाय वन रोल करते रहेंगे इस तरीके से हमने रोल। अब दूसरा पराठा भी हमारा बेल चुका है, अब इस पे हम घी लगा लेंगे बहुत अच्छे से। घी लगाने में आपने कोई कंजूसी नहीं करनी, ठीक है, घी से ही आपके पराठे जो हैं लच्छेदार बन सकते हैं। अब हम इस पराठे को कट कर लेंगे। अब इस पराठे को हमने सेंटर से कट करना है, लास्ट वाले को हमने लेयर्स में कट करा था, इसको हमने सेंटर से कट कर लेना है, ठीक है, और इसको इस तरीके से रोल करना है हमें, इस लाइन पे हमने इसको रोल करते रहना है। इस टाइम पे हमने इसको इस तरीके से प्रेस कर देना, देखिए ये आप चेक कर सकते हैं पेड़ा, ठीक है, इस तरीके से आपने इसका सेकंड पेड़ा भी बना लिया। अब हम बना लेंगे थर्ड पेड़ा, ठीक है, उसके लिए हल्का सा डस्ट कर लेंगे पेड़े को, टर्न करके डस्ट कर लेंगे। अब इसको बहुत अच्छे से बेल लेंगे। अब ये हमारा थर्ड वाला पेड़ा भी जो है बेल चुका है, अब ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने एक बाउल जो है इसमें घी लिया था और वो तकरीबन खत्म हो गया, सिर्फ तीन पेड़ों में मैंने इतना घी लगाया, ठीक है, आप भी घी की कंजूसी मत कीजिएगा, ठीक है, जितना घी अच्छा लगाएंगे उतना आपके पराठे लच्छेदार बनेंगे। आप बाहर कम घी लगा लें, आप जो आपने बाहर घी लगाना है वो आप अंदर की साइड पे पेड़ों को लगा लें तो आपके पेड़े बहुत अच्छे बन सकते हैं, आपके पराठे बहुत अच्छे बन सकते हैं, जिस तरीके से आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं वैसे आपके पराठे बन सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया, अब इस टाइम पे हमने इसको इस तरीके से तय लगा लेंगे, देखिए ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा, मैं बिल्कुल सामने कर देती हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये फिर इस तरह, जिस तरीके से हम बचपन में पंखा बनाते थे याद है, कागज का हम फैन बनाया करते थे, वैसे बिल्कुल हमने बनाना है, ये देखिए ये हो गया। अब इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे और ऐसे अब इसको प्रेस कर देंगे हम, ठीक है, वाला काम है, ये बहुत मिनटों में हो जाता है। अब ये देखिए बहुत हल्की आंच पे मैंने पराठे को बनाया है। और दूसरा एक और बात कि आपने पराठे को लालच नहीं करनी कि जितना तवा है आपने उतना ही पराठा बनाना है, आप कोशिश करें कि पराठा जितना छोटा बन सकता है उतना आपका पराठा अच्छा बनेगा। आपने अक्सर रेस्टोरेंट में या कोटा होटल्स के पराठे जो होते हैं वो खाए होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं लेकिन उनमें तय जो है लाखों की तादाद में उनकी तय होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं कि छोटे हम लोग करते हैं, छोटा पेड़ा बनाते हैं और बड़ा पेड़ा बनाते हैं और छोटा पराठा बनाते हैं, तो वो जो आटा है वो तय की शक्ल में आ जाता है। ये देखिए ये पहले पराठे की जो है हमारी तय, जो हमने पहला पेड़ा बनाया था ये उसकी तय, ये आप चेक कर सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा तय आई हैं। इस तरीके से आप लोगों के घर में भी आप लोग इसी पेड़े को फॉलो करके अगर पराठे बनाएंगे तो आपकी इसी तरीके से बहुत अच्छी सी तय आ सकती है। तो चलिए नेक्स्ट पेड़ा बना के नेक्स्ट जो पेड़ा है उसको बेल के पराठा बना लेते हैं। अब ये नेक्स्ट हम लोगों ने जो पेड़ा बनाया था उसका पराठा मैंने तवे पर डाल दिया, बहुत हल्की आंच पे इसको सेकना है, मैंने पराठा बहुत बड़ा नहीं बनाया, आपने भी इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि पराठा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, बहुत छोटा सा पराठा बनाना है।
और सूजी का भी बहुत ख्याल रखना है। अगर सूजी आप लोग बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि आपके पराठे इतने हार्ड हो जाएंगे कि आपसे टूटने में मुश्किल होगा, और अगर कम डालेंगे तो आपके पराठों में क्रंच नहीं आएगा। तो जो रेसिपी मैंने बताई उसी को फॉलो करके आप प्लीज़ अपने घर में पराठे बनाइएगा। पराठे को हमेशा आपने ऐसे ऐसे करके पकाना है, ठीक है, जिस तरीके से ये इस तरीके से पकाना है। डायरेक्ट आप ऐसे उल्टा नहीं सकते पराठे को, पराठे को टूटने का भी डर होता है। ये देखें, अब इस टाइम पे हम इसमें घी शामिल कर देंगे। ये देखें पराठे की एक साइड जो है हमारी पक चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब दूसरी साइड पे हमने घी लगाना है। ऊपर आप घी का कम इस्तेमाल करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पराठे के अंदर घी का बहुत ख्याल रखना है। ये देखें, अब इसको तकरीबन हम 2 मिनट तक सेक लेंगे, फिर हमारा पराठा रेडी है। इसके साथ हम थर्ड पराठा जो है तवे पे डाल लेंगे। ये देखिए थर्ड पराठा भी हमने तवे पर डाल लिया। अब इसको उसी तरीके से घी लगा देंगे, हल्की आंच पे पहले पकाएंगे, फिर उसके बाद एक साइड पे घी लगा देंगे और उसके बाद दूसरी साइड पे घी लगा के इसको भी इस तरीके से पका के आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए थर्ड पराठा भी हमने जो है, ये देखें ये थर्ड पराठा है, हमने ये भी तवे पर डाल लिया, ठीक है। इसको भी बहुत हल्की आँच पर एक साइड से पहले हम हल्का सा तल लेंगे और उसके बाद दूसरी साइड से तल लेंगे और उसके बाद घी लगाकर इसको फाइनल लुक देंगे और आपके सामने डिश आउट करेंगे।